नेक्स्ट केस में देखो ध्यान से, इंक्लाइन प्लेन का केस है। जैसे सपोज करो आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहां पर एक मास 5 kg का ब्लॉक यहां पर पड़ा हुआ है। 5 kg का ब्लॉक इज फर्दर कनेक्टेड टू अ पुली, पुली के साथ नीचे ये ब्लॉक हवा में लटका हुआ कितना 7 kg का, ये आपको सिस्टम गिवन है। रस्सी टाइट हो जाएगी, कोई मास नहीं रस्सी का स्ट्रिंग का, और ये नीचे एक्सेलरेट करेगा विद ए और ये ऊपर जाएगा विद ए। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको टी बताना है और आपको इसमें ए बताना है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है। रस्सी टाइट है, टेंशन ड्रॉ कर लें। तो रस्सी वाले स्ट्रिंग वाले केस में टेंशन तो ड्रॉ करनी ही है, तो टेंशन पेयर में एक्ट करती है। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक टी एंड टी हो गई, क्लियर है यहां तक। और उसी तरीके से इस पोर्शन में ये टी और ये टी हो गई, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? टी एंड टी इक्वल एंड ऑपोजिट। फिर मुझे ये पता है कि इसका वेट कहां ऐड करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये क्या आएगा 7g। इसका वेट कहां ऐड करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो क्या आएगा 5g। ये भी क्लियर है यहां तक? फिर हमने प्रोजेक्टाइल से पहले ये चीज कर ली थी, या फोर्स से पहले इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट। अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो अगर ये 30 तो ये भी कितना 30 डिग्री। वेट 5g के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, पहला 5g cos 30 और दूसरा इस तरफ 5g sin 30। एक कॉमन मिस्टेक है, काफी लोग करते हैं, कभी कभी 5g cos 30 तो सही बनाते हैं, 5g sin 30 ऊपर बना देते हैं, उनको पता नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, फर्क क्या पड़ता है, 5g cos 30 5g sin 30 के साथ 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर वो ये कहते हैं तो एक चीज ये समझे कि 5g वेट के दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब 5g के दो हिस्से कर लिए हमने वेट के, या उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपको नीचे लेके आ रहा है, हाँ लॉजिक सही है, पार्ट नीचे लेके आ रहा है, और दूसरा इस ग्राउंड को या इस फ्लोर को फोर्स लगा रहा है, और फोर्स कितनी लगा रहा है 5g cos 30। तो ये फ्लोर इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। तो ये याद है, नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। परपेंडिकुलर क्यों लगती है, क्योंकि ये फोर्स वेक्टर, ये वाला जो फोर्स वेक्टर है, ये सरफेस से कितने एंगल पर लग रहा है 90, तो रिएक्शन भी कहां लगेगा एट एन एंगल ऑफ 90। ये फोर्सेस क्लियर है सबको यहां तक? कोई डाउट इसमें फोर्सेस में? ये क्लियर है राइट? 5g sin 30 जो ऊपर बनाते हैं वो ये बोलते हैं कि आप जब एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को रख दें, जैसे मैं इंक्लाइन प्लेन पे बैठ गया, अब मैं नीचे नहीं आऊंगा बैठती, अब मैं ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाऊंगा, मेरा वेट देखो मेरे को ऊपर लेके आ रहा है। जबकि आप जब इंक्लाइन प्लेन पे बैठते हो तो आप ऊपर कभी नहीं जाते, आप ऑटोमेटिकली नीचे आते हो। तो mg sin कॉम्पोनेंट हमेशा नीचे ही की तरफ ही बनेगा, ये कभी ऊपर नहीं बन सकता। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो फोर्सेस क्लियर है। फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले ये ए के साथ और ये भी ए के साथ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना लेता हूं मैं। 7 kg का ब्लॉक नीचे आ रहा है विद 7g और ऊपर की तरफ टी और इसकी एक्सेलरेशन ए। उसी तरीके से 5 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ 5g sin 30 और ऊपर की तरफ टेंशन टी एंड इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपके पास ये ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गए। वैसे तो नीचे यहाँ और भी फोर्सेस बनेंगी, 5g साइन या 5g कॉस और नॉर्मल रिएक्शन सब बनेगा, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मेरी मोशन इंक्लाइन प्लेन के साथ है, तो मैंने फोर्सेस कौन सी कंसिडर की जो इंक्लाइन प्लेन के साथ है। अब क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 7g माइनस टी, क्योंकि 7g बड़ा हुआ और टी छोटा तभी तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। 7g माइनस टी इज इक्वल टू 7 into a। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। और ये ब्लॉक कहां जा रहा है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऊपर जा रहा है, तो टी बड़ा होगा और 5g sin 30 छोटा होगा, तो नेट इक्वेशन क्या बनेगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स 5g sin 30 इज इक्वल टू 5 एक्सेलरेशन ए। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? इक्वेशन नंबर 1 and 2, और आप इन्हें ऐड करेंगे तो देखो टी एंड टी क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां से ए कैन बी कैलकुलेटेड, ए आ गया तो टी की वैल्यू कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक, तो यही इक्वेशन यहां पर बनी हुई है, सही है, सेम है।
5g cos 30 sin 30 नॉर्मल रिएक्शन, सेम क्वेश्चन किया, इक्वेशन बना के दिखा दी, ए एन टी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये शीट का प्रॉब्लम क्लियर है। एक प्रॉब्लम खुद से करो, मैं चेंज कर रहा हूं प्रॉब्लम वैल्यूज। ये लो, सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है सच दैट दिस एंगल इज 30 और ये ब्लॉक है 5 kg का, नहीं ये मान लो 10 kg का ब्लॉक है, ये एक पुली कनेक्टेड है, स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यहां ब्लॉक कनेक्टेड है 15 kg का, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। आपको ए बताना है और स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है कितनी है, 15 kg और 10 kg के दो ब्लॉक्स हैं। देखो कितने लोगों का आंसर 90 न्यूटन आ गया, टेंशन वैसे ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ये फोर्स ड्रॉ की 15 जी क्लियर है ठीक है यहां तक, और इसका वेट नीचे की तरफ कितना है बोलो 10 जी, ये सबने ड्रॉ किया वर्टिकली डाउनवर्ड्स। उसके बाद इस स्ट्रिंग में टेंशन ड्रॉ करो टी एंड टी पेयर में, ऐसे ये टी एंड ये टी पेयर में, ये एरो बड़े ध्यान से मार्क करना, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक ठीक। आगे देखो तो 10G के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, अगर ये 30 है ये भी 30 है तो 10G
कॉस ऑफ 30 और नीचे की तरफ 10 जी साइन ऑफ 30। क्लियर है यहां तक? और फ्री बॉडी डायग्राम में ये 15g और t बनेगा, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो नीचे की फोर्स बड़ी होगी और ऊपर की फोर्स छोटी होगी। बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? फिर ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो एक ऊपर की फोर्स t है और पीछे की फोर्स 10g साइन 30 है। नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत नहीं है इसको ड्रॉ करने की, पर फिर भी बना देता हूं। तो टी बड़ा होगा इसमें क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, टी बड़ा है किससे? 10g साइन 30 से। तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ऐड करेंगे टी एंड टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो सॉल्व करेंगे 15g माइनस 10g साइन ऑफ 30, ऐड करेंगे तो 25a, साइन 30 की वैल्यू हाफ है, सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन 4 आ गई। एक्सेलरेशन को 4 को कहीं भी पुट कर दो, टेंशन की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है? 90 न्यूटन आंसर आ रहा है। पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, ए ए आ गया 4, ऐड कर चेक कर ले, ए 4 आएगा। हाँ जी ठीक है, यहां तक ठीक। नेक्स्ट जो है, अब लिफ्ट के कुछ केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है फोर्स का जो चैप्टर हम कर रहे हैं ये भी बेस बिल्डिंग है। आपको कहोगे फिर अब फिजिक्स मतलब क्या, मतलब इसका मतलब क्या है? आप मानोगे मतलब जो हम आज इस महीने काम करेंगे फोर्स का एंड फ्रिक्शन का, उसमें मेन में एक ही क्वेश्चन आएगा। नीट में दो क्वेश्चन आएंगे, कम नहीं होते, एक एक महीने में एक ही क्वेश्चन आता है। और क्या है, 30 तो टोटल क्वेश्चन आने हैं मेन्स वालों को, और महीने उनको दिए हुए 20, तो किसी महीने में एक क्वेश्चन निकलेगा, किसी महीने में दो क्वेश्चन निकलेंगे। बड़े यूनिट्स में इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। बट पॉइंट ये है कि जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि प्लस टू का पूरा बेस बनेगा। क्योंकि प्लस टू के अंदर हम जो अभी तक कर रहे हैं, 3 महीने हो चुके हैं उनको ज्यादा शायद, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स पे काम चल रहा है। तो ये जो वेक्टर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं ना, अभी तो मासेस और सिर्फ मासेस हैं, उसके बाद ना प्लस टू में चार्ज मासेस आ जाएंगे, सब कुछ सेम रहेगा, चार्ज साथ में आ जाएगा। जैसे दो चार्ज पार्टिकल्स है रस्सी से बांध दिए, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बोलो टेंशन क्या होगी? अब देखो प्लस टू की क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्स्ट्रा सीख लिया, टेंशन वाला कॉन्सेप्ट तो प्लस वन का यूज हो रहा है ना। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेसिक्स हैं और ये बेसिक्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो बहुत अच्छे से सीखना है इसे। और सबसे कमाल की बात है इसको याद तो कुछ करना ही नहीं ना, जो है सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है यहाँ तक? तो लिफ्ट वाले केसेस करते हैं, लिफ्ट वाले केसेस बहुत आते हैं, और ऐसे नहीं मतलब बीच बीच में हर चैप्टर में आते जाएंगे, प्लस टू तक आते जाएंगे आज नहीं। तो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट